अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। दलितों पर हो रहे अत्याचार और दलितों की हत्या करने के विरोध में आज भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों भाकपा माले के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और सरकार विरोधी जमकर नारे भी लगाने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में बैनर लेकर के और भंटा पोकर के धर्मेंद्र बांसपुर के हत्यारों को गिरफ्तार करो के नारे के साथ, उसके बाद से धर्मेंद्र बांसपुर व अंजलि कुमारी के परिवार को मुआवजा दो, पचलखी गौरी राम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करो, इन तमाम मुद्दों जैसे बातों को लेकर के और अमरजीत कुशवाहा आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर करके सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि सिवान के नगर परिषद के जो प्रखर नेता हैं अमित कुमार गुड़, वो भी मौजूद हैं, और विधायक अमरजीत कुशवाहा, इन लोगों के नेतृत्व में सड़क पर प्रदर्शन मार्च निकाला गया, जो कि पूरे शहर का भ्रमण करते हुए फिर भाकपा माले कार्यालय पर पहुंचा। और अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, खास करके दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आइए सुनते हैं अमरजीत कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। आज हम लोग सिवान में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग DM साहब से मिलके, एक प्रतिमंडल मिलके उसको उनको आगाह करने वाले हैं कि जो सिवान में, चाहे वो भंटा पोखर का मामला हो, चाहे गोलोचनी का मामला हो, चाहे पचलकी का मामला, तमाम तरीके घटनाएं पे सिवान प्रशासन पहल करे और दलितों पर जो अत्याचार करे उनको तत्काल गिरफ्तार करे, इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग DM से मिलने वाले हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे, अभी आप लोग मार्च लेकर के निकले हुए हैं। बिहार आज हत्या, भरण और अपराध में डूब चुका है। बिहार में सुशासन की बात करने वाली नीतीश सरकार पूरी तौर पर फेल्योर है और सिवान जिला खास करके अपराध के रोक पाने में बिल्कुल असफल है। हम देख रहे हैं कि आए दिन शहर के भीतर या ग्रामीण इलाकों में हत्याएं हो रही है, हम मैरवा में हत्याएं हो रही है, हुसैनगंज में हत्याएं हो रही है और ये लगातार जारी है। और जब हम लोग प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन कार्रवाई की बात तो जरूर कहता है, लेकिन दो चार दिन में खाना पूर्ति करके काम समाप्त हो जाता है। आज इस घटनाओं के खिलाफ, जैसा कि हमारे कई लोगों ने बताया, अभी दलितों के ऊपर पचलखी में वहाँ के सामंती ताकतों ने हमला किया है, एक जो है पासपोर्ट जाति के नौजवान को यहाँ मार दिया गया जो इलाज चल रहा है, और दो लड़कों को मार दिया गया, एक की मौत हो गई है, और एक अंजलि नाम की लड़की को यहाँ ट्रैक्टर से धक्का मार दिया गया, उसकी मौत हो गई, उसको भी कुछ भी कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह भंटा पोखर में घटना हुई है, लगातार जो है घटना का सिलसिला चल पड़ा है और सभी अपराध के घटनाओं पर रोक लगाने, आज के बाद कोई अपराध की घटना न हो ये जिला प्रशासन इसकी गारंटी करे, और जिन लोगों की जो घटनाएं हुई है उन्हें अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, पीड़ितों को मुआवजा की मांग को लेकर के हम लोग ये आज का मार्च निकाले हैं। और आप एक बात ये भी देख रहे हैं, एक तरफ तो बिहार सरकार इन अपराधियों पर रोक लगाने से अक्षम हो चुकी है और दूसरे तरफ जहाँ कहीं भी गरीब गुरबे लोग सरकारी जमीन पर, जिनको बसने का जमीन नहीं है, बसे हुए हैं, उन पर नोटिस थमाया जा रहा है CO की ओर से, उन पर बुलडोजर चलाने की पूरी योजना बनाई गई है। और पटना में जिस तरह से राजीव नगर और नेपाली नगर में बुलडोजर चलाया गया, ये सरासर अन्याय हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि आज 500 वर्ष से वहाँ जो लोग अपना आसियाना बना के रह रहे थे, लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई सरकार के यहाँ से, सड़कें बनी हैं, बिजली और पानी की सप्लाई है, और इन तमाम चीजों को धत्ता बताते हुए, होल्डिंग टैक्स लोग जमा करते हैं, इन तमाम चीजों को धत्ता बताते हुए
कि सरकार बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, अगर सरकार के अंदर नैतिकता होती तो मकान उनके नाम से अगर गलत था तो अलर्ट कर देती और उस मकान का मुआवजा ले सकती थी, उस जमीन का मुआवजा ले सकती थी। लेकिन बुलडोजर चला करके एक मासियाना को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है, ये हिंदुस्तान में अच्छा शोभा नहीं देता है, लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। और मैं समझ रहा हूँ कि जोगी के बुलडोजर राज के तर्ज पर नीतीश बाबू का ये बुलडोजर राज जो बिहार में शुरू हुआ है, गरीबों पर दमन, आम आदमियों पर दमन, आम आदमियों पर बुलडोजर और उनके अपराधियों के द्वारा लोगों की हत्याएं, इन दोनों के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम बिहार और सिवान के जनता से अपील करेंगे कि ऐसे बुलडोजर राज को, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले राज को उखाड़ फेंकने के दिशा में आगे बढ़ें। आज हम लोग आज इस मार्च के माध्यम से सिवान प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे और ये सारी मांग हम लोग रखें। क्या आपकी किस्मत बुझी बुझी सी है? क्या पूरी लगन से काम करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा? क्या घर पर बुरी नजर का साया है? क्या आपके बनते बनते काम में रुकावट आ जाती है? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरे पास। अभी फोन लगाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8868-03935। इनके किए हुए काम से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अनेक मुल्कों में हजारों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे नौकरी व कारोबार में रुकावट, गृह क्लेश, शादी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा या फिर वीजा में रुकावट, औलाद कहने में ना होना, जटिल से जटिल समस्याओं के लिए आज ही फोन करें और तुरंत लाभ उठाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8868-03935। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान, CBSE द्वारा 12th तक 2008 में मान्यता प्राप्त विद्यालय। NCC ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल, शूटिंग रेंज, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, बास्केटबॉल कोच, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आज ही नामांकन कराएं। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान, मोबाइल नंबर 9006999444827139666। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सलोन सिवान। मेन एंड विमेन, फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918, ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया है पहला एयर कंडीशनर मिठाई की शॉप, श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में, सिसवन झाला सिवान। श्री साई स्वीट्स में मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाई, साथ ही स्वादिष्ट चाट भी। आज ही चलें श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में, सिसवन झाला सिवान। मोबाइल नंबर 8210201362। JNS पब्लिक स्कूल श्यामपुर सिवान, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑन एवरी सैटरडे, वेल ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। स्कूल इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ CCTV, प्रिंसिपल अभिषेक कुमार सिंह, मोबाइल 9934444040।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।